1989 से P3Y का प्रयोग अपने जीवन में कर रही हूँ, लगभग लगभग 35 साल हो गए। तो मैंने जीवन के हर एक क्षेत्र में P3Y का प्रयोग करके लाभ लिया है। हमारे लिए ये जो P3Y है, ये सरल और सुलभ है और आसानी से मिल रहा है। जो ये जो हमारा क्लास लगाने का जो लक्ष्य रहता कि विद्या सब तक पहुंचे, ये नहीं कि हम अपने तक ही रखें, हम सुखी हुए, मेरा परिवार सुखी हुआ, दूसरे को ना पता चले। तो इसके लिए परम जी ने 11 वाक्य का सिस्टम दिया है और हमें तो देखो खुशी होनी चाहिए कि हमें एक सिस्टम मिला है, एक तरीका मिला है। हमें कहीं भी परेशानी आ जाती तो सिंपल 11 वाक्य, 8 वाक्य बिल्कुल ज्यों के त्यों, 9वें वाक्य में अपनी इच्छा, इच्छा तुरंत बोलने, 8 वाक्य बोलने के बाद तुरंत इच्छा बोलने। ये नहीं कि 8 वाक्य हमने बोल लिया कि बड़ी देर सोच विचार किया, क्योंकि 8 वाक्य बोलते ही जो अदृश्य अलौकिक शक्ति है वो आपके सामने तुरंत हाजिर हो जाती है। 9वें वाक्य में इच्छा, 10वें वाक्य में अपने मेहनताने से कुछ रुपया, गरीब गरीब जैसा माने या मेरा मेरे जैसा, कम से कम 1 रुपया, अधिक अपनी इतनी क्षमता और काम। 11वें वाक्य में इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इतने नए व्यक्तियों को P3Y सिखाओ। तो मेन लक्ष्य है कि विद्या का फैलाव हो, हम भी सुखी हों और भी व्यक्ति सुखी हो। तो ये जानकारी है, इसके लिए प्रचार करते रहते हैं। तो मैं भी P3Y टीचर हूँ, पिछले 35 साल से प्रयोग भी कर रहे, लाभ भी ले रहे, और हमीरपुर में लगभग हम डेली ही क्लास लगाने जाते निकलते हैं। और यहाँ कुल्लू में रहे थे, NHPC में जॉब करते थे हस्बैंड, तो यहाँ भी हमने काफी क्लासें लगाई हुई है, कुल्लू में भी काफी क्लास। तो P3Y का प्रचार करने का यही लक्ष्य है कि आप भी प्रयोग कीजिए, लाभ लीजिए, जहाँ भी जरूरत पड़ती है जी, मानसिक शांति भी मिलती है, संसारी काम भी बनता है। तो जैसे सफर के लिए ये मैं 11 वाक्य का पेपर करवा देती हूँ, तो मेरे साथ बोलिए, परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। मैं हमीरपुर से किक्स जा रही हूँ, अपनी गाड़ी में यात्रा करूँगी। मेरी यात्रा सुखद, सुरक्षित और आनंद में रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ मैं 10 रुपया परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ मैं 2 नए व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगी। तो मैंने अपना अनुभव बोला, नमस्कार करने मात्र से भी रक्षा हो जाती है, क्योंकि इमरजेंसी में समय नहीं होता। 11 वाक्य बोलने का कहां समय होता है, एक्सीडेंट हो रहा कहां समय है। तो इतना भी बोलेंगे कि परम जी नमस्कार, अब इतना इतना नहीं है तो ऐसे भी बोलेंगे परम जी बजाइए, तब भी रक्षा होती। तो मैं 1 बार संकट और 3 बार महासंकट से, तो 35 साल के अनुभव गनाने लगे तो कितने होंगे, क्या क्या गनाएंगे, परंतु अपना अनुभव ही बनना, आप प्रयोग कीजिए अपने अनुभव। ठीक है जी, इसके साथ मेरा प्रणाम।